नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। मैं भविष्य की चिंता नहीं करता हूं और न कभी करूंगा। आज मैं आप सबके बीच ये बताना चाहता हूं कि मैंने बचपन से आज तक भविष्य की चिंता कभी की ही नहीं और न कभी करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप अपने वर्तमान को जितना ठीक कर सकते हैं करिए, और कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है। और इसका असर मैं देखता हूँ सीधे मेरे दोनों बच्चों पर है। इन दोनों से कोई जाकर पूछे तो दोनों को भी कभी भविष्य की चिंता होती ही नहीं, लेकिन उन लोगों ने आधा पार्ट पकड़ा है, पूरा नहीं पकड़ा है। पूरी बात यह है कि हमारे हाथ में फ्यूचर है नहीं, हमारे हाथ में है प्रेजेंट, वर्तमान। अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहना चाहता हूँ, जो अपने वर्तमान को ठीक कर सकता है उसे भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिर कुछ तो मुझे समझ में आया होगा। इस अपने 50 साल की उम्र में बचपन से मैंने भविष्य के सपने जरूर देखे हैं, लेकिन चिंता कभी नहीं किया, क्योंकि बहुत कम उम्र में 17 वर्ष के आसपास में वो समय मेरे जीवन में आए। और कुछ मैंने ऐसा जरूर जान लिया, कोई ना कोई ऐसी सुपर नेचुरल पावर के बारे में मुझे पता चल गया कि यदि जीवन है, भविष्य है, तो वो सिर्फ वर्तमान का फल है। अगर हम अपने आज को ठीक कर सकें तो भविष्य अपने आप अच्छा होगा ही, इसमें कभी कोई अपवाद नहीं हुआ है। हम क्या करते हैं, भविष्य के बारे में चिंता तो बहुत करते हैं, उसी चिंता करने में अपने वर्तमान को गंवा देते हैं। ये गलती मैंने की है, लेकिन चिंता मैंने कभी नहीं की। लेकिन आज अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप अपने बारे में सोचिए या अपने बच्चों के बारे में सोचिए, जब भी आप उन्हें देखिए तो एक बात सिर्फ ध्यान रखिए, क्या वो अपने वर्तमान के साथ न्याय कर रहे हैं या खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमें जो जीवन मिला है एक अर्थ में बहुत बड़ा नहीं है। 80 साल की जिंदगी बहुत ज्यादा नहीं होती है। हमारे घर के आसपास ऐसे पेड़ हैं जो सैकड़ों साल जीते हैं, ऐसे ऐसे पीपल के पेड़ हैं जो हजारों साल जी लेते हैं, और बिजली के खंभे हो सकता है वो भी 100 साल पार कर लें। पुराने पुराने इमारत, भवन, इनकी उम्र भी 100 से ज्यादा होती है। इनके सामने हमारी उम्र बहुत कम है। अगर हम अपनी 80 साल की जिंदगी के साथ न्याय नहीं कर सके तो हमारा सारा पढ़ाई लिखाई बेकार है। यही बात मैं बचपन से वाच करते आ रहा हूँ कि जिन्होंने भी अपने बचपन के समय को बहुत सही दिशा दिया, बाद में उन्होंने सुख सुविधा जिया। आज एक बात मैंने और गौर किया, जब मैं 13-14 वर्ष का था उस समय से मैंने ध्यान दिया कि बचपन में हो सके तो बच्चे को शारीरिक मजबूती देनी चाहिए। ये मेरे आज का अनुभव है। अगर आपका बच्चा बचपन में ही फिजिकली मजबूत होगा, शरीर से मजबूत होगा, तो उसके मन में भय कम रहेगा, और जिसके मन में भय कम रहेगा वो अधिक से अधिक इनर्जेटिक होकर अपना काम कर सकेगा। ये मेरा अपना आज का ये समझ है जो मैं सुबह से अपने दोनों बच्चों को बता रहा हूँ। अपने बच्चे को शारीरिक रूप से कमजोर मत होने दीजिए, उसे जहाँ तक हो सके शारीरिक बल मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर शरीर से बलवान रहेगा तो ज्यादा चांस है कि वो मन से भी बलवान रहेगा। और जिसका शरीर बलवान है, जिसका मन बलवान है, उसके कर्म श्रेष्ठ होंगे, अच्छे होंगे। आपके बच्चे अगर फिजिकली फिट हैं, साधारण भोजन, अच्छा भोजन कर लेते हैं, उनके भोजन में जिससे मैं हमेशा कहता हूँ साग सब्जी की मात्रा हो, मैं तो ये भी कहूँगा दूध दही घी की मात्रा हो, पनीर जैसे चीज़ हो, उन्हें आप अच्छे भोजन कराइए, और आप देखेंगे जब वो पढ़ने बैठेगा तो बहुत शानदार पढ़ाई करेगा। और अगर आपका बच्चा फिजिकली कमजोर हो जाए, उसका फास्ट फूड खाने में इंटरेस्ट हो जाए, गोलगप्पे खाने में इंटरेस्ट हो जाए, या ऐसा वैसा प्रोडक्ट खाने लगे वो जिससे उसका हेल्थ डैमेज हो रहा है, वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा। अब देखिएगा महीना में 20 दिन वो पढ़ेगा ही नहीं। अगर आपका बच्चा खाता तो बहुत कुछ है, ढेर सारे रुपए खर्च भी कर लेता है खाने पीने पर, लेकिन वो हमेशा बीमार ही रहता है फास्ट फूड के कारण या किसी और कारण से, उस बच्चे की पढ़ाई में मन नहीं लगेगी। और जो बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगा उसका भविष्य अंधकारमय होगा ही होगा। इसलिए आज मैं आप लोगों को विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ, अपने बच्चे पर, अपने ऊपर भी, क्योंकि आपकी उम्र कुछ भी हो, आपके लिए भविष्य भी शेष है। जब तक जीवन है आपको इस धरती पर रहना है, और आपका प्रत्येक दिन का कर्म, आपका विचार, यही बनेगा आपका भविष्य। ये और बात थी कि बचपन में भी कहीं मैंने नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, आज अब तक देखा जाए तो ईश्वर की कृपा से सब ठीक है। बचपन से आज तक मैंने सपने जरूर देखे, बंगला हो, गाड़ी हो, पैसे हो, सब
चिंता मैंने कभी नहीं की, और मैंने ही नहीं दुनिया में जो भी थोड़ा सा भी ईश्वर की शक्ति से परिचित हो गया वो चिंता नहीं करेगा। चिंता सिर्फ वही करता है जो घोर नास्तिक होता है। यहाँ नास्तिक का मतलब होता है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है, अपनी सत्ता में विश्वास करता है। वो घर से भी निकलता है तो सोचता है कहीं रोड पर एक्सीडेंट ना हो जाए, वो घर से निकलता है तो सोचता है कहीं कोई दुश्मन हमला ना कर दे, दुश्मन किसी और पर हमला करे और चोट हमको ना लग जाए, या मेरे जाने के बाद परिवार का क्या होगा। इस तरह का जो डर है, भय है, ये उनके लिए है जो ईश्वर की सत्ता को जानते ही नहीं है। मुझे कभी कोई कारण नहीं दिखता कि आदमी भविष्य डरे, और हर आदमी डरा हुआ है। जितने लोगों को मैं अपने आसपास देखता हूँ सबको चिंता है कल क्या होगा मुझे छोड़ करके। मेरे बारे में तो अक्सर कुछ लोग ये मजाक भी उड़ाते हैं बहुत खुशी से कि इसको कोई चिंता ही नहीं है, यहाँ तक कि मैं बीमार पड़ जाता हूँ तो भी चिंता नहीं करता हूँ। लेकिन चिंता नहीं करने का मूल आधार ये है कि हम सब अपने वर्तमान को जितना हो सके ठीक करिए। तो मैंने आपसे कहा कि अपने बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, उसका भोजन का निर्णय आप कीजिए। स्वाद भले ही उसका हो, उसे क्या अच्छा लगता है वो अच्छी बात है, भोजन वही करना चाहिए जो रुचिकर हो, लेकिन भोजन वैसा भी होना चाहिए जो बच्चे में शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाए। मेरे हिसाब से शाकाहार भोजन हो, साग सब्जियां हो, सलाद हो, ये राय लोग ठीक से नहीं देते हैं लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति चाहे वो 50 साल का हो या 80 साल का हो, मेरे हिसाब से अगर कोई व्यक्ति का भोजन बढ़िया है तो उसके शरीर में शक्ति होगी, और जिसके शरीर में शक्ति होगी उसका मन भी बहुत सारे बल को इकट्ठा कर लेगा और उसको किसी भी काम को करने में मन लगेगा। ये मेरा विशेष संदेश आप सभी को। आप जो कुछ भी हैं, मुझे कुछ दिन पहले तक याद आता है, आज से मतलब मात्र 2-4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता था बाकी सब लोग बहुत इनर्जेटिक हैं, ताकतवर हैं, ऊर्जावान हैं, ये काम करते हैं कितना मन से करते हैं, कोई धनबाद जा रहा है, कोई सिंदरी जा रहा, कोई लगातार एक काम खत्म होते ही दूसरा काम कर रहा, और मुझे लगता था मुझसे नहीं होगा। संजोग से ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा हुई कि मुझे लगा कि शरीर के बल को बढ़ाया जा सकता है, और जैसे ही मुझ में थोड़ा सा बल का संचार हुआ मैंने देखा कि मैं भी काम कर सकता हूँ और बहुत सारे काम कर सकता हूँ, एक के बाद एक काम कर सकता हूँ। यही मेरा संदेश है आप सबके लिए। आप भी, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपका भोजन और आपका स्वास्थ्य अगर उत्तम है तो ही आप अपने जिम्मेवारी को पूरा कर पाइएगा, अपने काम पूरा कर पाइएगा, और जो अपने काम आज को संवार लिया उसका भविष्य सुंदर होगा ही होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कर्मण्येव बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा कर्म पर अधिकार है, कर्म फल पर नहीं, क्योंकि कर्म है वर्तमान और कर्म फल है भविष्य, भविष्य पर हमारा अधिकार है भी नहीं। कहने का मतलब है कि हम सब अपना जीवन को और अपने बच्चे को एक बात की जरूर ध्यान दीजिए जो मैं भी देता हूँ, अगर कोई बच्चा अपने वर्तमान को बर्बाद कर रहा है उसके भविष्य में अंधकार होगा ही होगा, फिर ना कोई ईश्वर का दोष होगा और ना किसी सदगुरु का दोष होगा, क्योंकि सदगुरु आते गए और चिल्लाते गए और दुनिया से चले गए, आदमी सुधर जाए इतना आसान नहीं है। चाहे वो गौतम बुद्ध से लेकर के आज तक, मेरे जीवन में तो एक ही गुरु आए और धमाल मचा गए हैं ओशो, वो बार बार समझाते रहे, अगर हम वर्तमान को टाल रहे हैं, वर्तमान को की हत्या कर रहे हैं तो हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। उनका पूरा का पूरा जो प्रवचन है वो 2 शब्द पर है, नाउ एंड हियर, अभी और यहीं। और मैं देखता हूँ ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को जो अपने वर्तमान का गला घोट रहे हैं खूब, सुबह जगने से लेकर के रात सोने तक एक बच्चा क्या कर रहा है, अपने वर्तमान के टुकड़े टुकड़े कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ये बच्चा अगर भविष्य में कल पछताया तो जिम्मेवार कौन होगा, ईश्वर, गुरु या वो खुद? बच्चे बहुत कुछ मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, पर शिक्षा नहीं मांगते हैं। मैं शिक्षा की बात जरूर करता हूँ, अगर मैं शिक्षित नहीं होता तो मैं ओशो को सुनता ही नहीं। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जिन लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है वो अक्सर ओशो से दूरी बनाकर रहते हैं, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। सबसे ज़्यादा मैं ओशो को सुन पाया या सुनता हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मुझे इंग्लिश आती है, काम चलाऊ। मेरे दोस्त को इंग्लिश आती है, मेरे जिन दोस्तों को आती है उन्होंने ओशो को समझा, जिन दोस्तों को इंग्लिश नहीं आती है धीरे धीरे वो ओशो से दूर हो गए, पूरा नहीं समझ पाए उनको। मैं अभी अपने स्मार्ट टीवी पर ओशो के प्रवचन रोज देखता हूँ, प्रतिदिन देखता हूँ।
और ऐसे ऐसे रहस्य का पता चलता है कि मुझे आश्चर्य है। कुछ देर पहले मैंने एक दोस्त को मैसेज किया था कि मेरे दृष्टि में हजारों वर्ष में ओशो जैसा कोई आदमी आया ही नहीं, और उनका देशना यही है, नाउ एंड हियर, अपने वर्तमान को ठीक कर लीजिए, भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार फिर मुझे समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जो अपने वर्तमान को बर्बाद करते हैं उनका भविष्य बर्बाद होगा ही होगा, और जो अपने वर्तमान को अच्छे कर्मों में लगाते हैं उनका भविष्य सुंदर होगा ही होगा। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भविष्य की चिंता नहीं करता हूं और कभी नहीं करूंगा। मैं वर्तमान के प्रति बहुत ही सचेत रहने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। धन्यवाद।